अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जल्दी से मुझे औरत मार्च के हवाले से एक डेफिनेशन बता दीजिएगा। देखिए, ख़वातीन के आलमी दिन पे हमेशा से तकरीबात चलती रही हैं, हर तंजीम अपने लेवल पर करती है, हर कलेक्टिव गली मोहल्लों में भी इवेंट्स होते रहे हैं। 2018 ऑनवर्ड्स ये एक ज़रा नेशनल सतह पर औरत मार्च के तहत हम करते हैं, जिसमें औरत मार्च के तीन कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो कि ये हैं कि ना किसी NGO, ना किसी कंपनी और ना किसी पोलिटिकल पार्टी से हम फंडिंग लेते हैं, ना उनके साथ एफिलिएशन, पार्टनरशिप, स्पॉन्सरशिप वगैरह करते हैं। और मकसद इसका यह है कि हर साल हम एक थीम पिक करते हैं और उसके बारे में आगाही फैलाने की कोशिश करते हैं। इस साल हमारी जो थीम है वो है सेहत के मसाइल, खासतौर पे ख्वातीन और जिंसी अकलियतों के सेहत के मसाइल। उसके अंदर कुछ ऐसी डिमांड्स भी हैं जो ये कहती है कि जो GDP का हेल्थ बजट है, आवाम का जो बजट जो हर साल जून में तैयार होता है, उसके कभी भी वो 1 या 2% से ऊपर उसके लिए सेहत के लिए मखसूस नहीं किया गया, उसको कम अज़ कम 5% यकीनी बनाए। नंबर टू, और भी इसके अंदर चीज़ें हैं, जैसे कि जो ख्वाजा सिरा बहन भाई हैं हमारे, उनको डॉक्टर्स तक रसाई, हस्पताल की रसाई में कितनी दिक्कत महसूस होती है, कितना वो हेसिटेंट होते हैं हस्पतालों में जाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर जो एक डिस्क्रिमिनेशन और स्लेवरी मुसलत की गई, उनको हमेशा एक मजाक समझा जाता है, उसके बारे में बात की हुई है। साथ साथ ये भी बात की है कि ख्वातीन के जो हमल के मसाइल हैं, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के मसाइल हैं, यानी जब पता चलता है कि बेटी है तो तब उस वक्त फैमिली का प्रेशर होता है कि अबॉर्शन करवाया जाए वगैरह वगैरह, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात की हुई है। फैमिली प्लानिंग की भी बात की हुई है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, 2018 से जब आपकी ये मुहिम जो है, कंपेन जो है वो नेशनली स्टार्ट होगी, तो उसके बाद कितना फ़र्क पड़ा है वुमेंस को, उनके हकूक को, क्या माशरे में जो है वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है 2018 के बाद? डेफिनेटली आपने खुद ही देखा होगा, इतनी सारी आगाही है, इतना ये एक टॉकिंग पॉइंट है, लोग हर वक्त इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, वुमेंस राइट्स के बारे में एक नेशनल लेवल पर कॉन्वर्सेशन हो रही है। आपने देखा है किसी भी सेलिब्रिटी को TV पर इंटरव्यू किया जाता है, उनसे पूछा जाता है आपका औरत मार्च के बारे में क्या ख्याल है, आपका फेमिनिज्म के बारे में क्या ख्याल है, जो इस लेवल की आगाही हो रही है वो कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट नहीं देखी। साथ साथ ये है कि औरत मार्च की खूबसूरती ये है कि ख़वातीन इसके बारे में खुद सीखती हैं, ऑनलाइन देखती हैं, हमारा कंटेंट देखती हैं, उसके बारे में उन्हें पता चलता है, और हर घर में जैसे औरत मार्च की एक वकील मौजूद है। अच्छा मैम, यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है, जो पिछले दिनों मेरा खलील रहमान साहब के साथ भी इंटरव्यू था और वो जैसे कि बिहेव करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज़ को, इसी तरह और भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इस्लाम के हवाले से कि हमारा मजहब जो है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, बीइंग अ मुस्लिम हमें जो है ये सब शोभा नहीं देता, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, औरत मार्च को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इस्लाम ने जब हकूक दे दिए तो आप इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं। भाई, इस्लाम तो ये भी कहता है करप्शन गलत है, करप्शन के खिलाफ आए दिन डेमोन्स्ट्रेशन हो रही होती है, तब हमारे इस्लाम के इधर चला जाता है। ये जो एक आइडिया है ना कि जब भी औरत के रोल का सवाल आता है सोसाइटी में तो तब हमें सबसे ज़्यादा इस्लाम का हवाला देना पड़ता है, इसके बारे में हमें ज़रा एज ए सोसाइटी सोचने की बात है, हम आगे पीछे भूल जाते हैं। अब जिस तरह अबॉर्शन का मैंने जिक्र किया, कहने को ये बात होती है कि जी अबॉर्शन इस्लामी ममालिक में नहीं होना चाहिए क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है, ठीक है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस वही मियाँ, वही सास, वही ससुर का प्रेशर होता है कि अगर ये बेटी है तो तुम इसको अबॉर्ट कराओ। तो ये जो हमारे सिलेक्टिव है ना इस्लाम के साथ होना, इसके बारे में जरा हमें बहुत गहराई से सोचने की। मैम, यहाँ हम पाकिस्तान इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री को भी देख लेते हैं तो उसमें ये होता है कि औरत को औरत से भी खतरा होता है और मर्दों से ज्यादा कभी कभार औरत को औरत से खतरा होता है। जैसे कि अगर आप कंडीशन ले लेते हैं कि एक औरत जो है वो उसके दूसरी सौतन उसके ऊपर आ जाती है, तो सौतन भी तो औरत ही होती है, तो इसी तरह औरत को भी औरत से मसला हो जाता है। तो अभी जो हमारी महम कंपेन चलती है वो सिर्फ मर्दों के खिलाफ चलती है, औरतें आपस में कैसे डील करती है? ये हर की गलत बात है कि ये मर्दों के खिलाफ कैंपेन है, ये पितृशाही के खिलाफ कैंपेन है। पितृशाही एक ऐसा निज़ाम है जो आपको माशी सतह पर, सोशल, पॉलिटिकल हर लेवल पर मर्दों को तरजीह देता नजर आता है। अब वो एक ऐसी सोच है जिसमें ख्वातीन भी मुब्तला हो सकते हैं, मर्द भी मुब्तला हो सकते हैं, काफ़ी सारे फेमिनिस्ट मर्द भी आपको, फेमिनिस्ट ख्यालात रखने वाले मर्द भी आपको मिलते हैं। तो जैसे ये आप आर्ट इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने लोगों से पूछा कि वो कौन सी उम्र थी जब आप पहली बार पितृशाही के बारे में आपको समझ आई, तो आपको एक नंबर नजर आएगा जो उसकी एज और साथ रिश्ता या स्कूल या महकमा जिसने उसको ये एहसास दिलाया उनके नाम लिखे नजर आएंगे। तो हम पितृशाही की बात करते हैं, हम ना औरत के खिलाफ बात करते हैं ना मर्द के खिलाफ बात करते हैं। अच्छा, मेरा जैसा मेरी मर्जी, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि मेरा जिस्म मेरा है, आप मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी इजाज़त के खिलाफ इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, जो कि ऐसी बात है जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक है, जो इस्लाम के मुताबिक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरे जिस्म मेरी मर्जी का ये भी मतलब है कि मैं जब शादी ना करना चाहूँ तो मेरी शादी नहीं होनी चाहिए, कम उम्र की शादी नहीं होनी चाहिए, बच्चों में वक्फा करने के, मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूँ, मैं स्लीवलेस पहनूँ, मैं शॉर्ट्स पहनूँ, मैं जैसे मर्जी बाहर घूमूँ, ये मतलब नहीं है मेरा जैसे मेरी मर्जी। आप मेरे मुँह में अल्फाज ना डालें, मैं
तरह बयान कर रही हूँ उस तरह सुन ले। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये भी मतलब है कि मेरे जिस्म से जो इसकी हिम्मत उससे ज्यादा काम लिया ना लिया जाए, जो कि अगर आप अपनी लेबर क्लास में देखें ओवर टाइम काम किया जाए और उसकी उजरत ना दी जाए जो उसी के जुमरे में आता है। हम उन इश्यूज की बात कर रहे हैं। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।